दरभंगा जिले के 8 पुलिस पदाधिकारियों का सामूहिक तबादले के बाद दरभंगा जिला पुलिस परिवार की ओर से इन लोगों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां कार्यकर्ता आईपीएस वैभव शर्मा, एसडीपीओ दिलीप कुमार झा, उमेश्वर चौधरी, अनुज कुमार, सुधीर कुमार के साथ परिशिक्षमान डीएसपी रामकृष्ण, अभिषेक सिंह और सुधीर कुमार का तबादला विभिन्न जगहों पर किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार की शाम दरभंगा पुलिस परिवार की ओर से इनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम उपस्थित रहे। आगत अतिथियों का स्वागत डीएसपी बिरजू पासवान, महिला थाना प्रभारी नुसरत जहां सहित पुलिस पदाधिकारी सुबह चौधरी, मनोज कुमार, हरि नारायण सिंह, सत्य प्रकाश झा, शशिकांत सिंह, अमित कुमार, शिव कुमार, राकेश कुमार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी जयनाथ ठाकुर ने की। मंच संचालन शांति समिति सदस्य नवीन सिन्हा ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अपने 2.5 साल से ऊपर के कार्यकाल में इन लोगों के योगदान कार्यकाल की जमकर सराहना की। विगत दिनों कांड उद्भेदन के संबंध में पुरस्कार मिलने का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, यह इस टीम की जीत है। एक साथ 8 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला उन्हें खलेगा, लेकिन यह नौकरी की नियति है। तबादला एक प्रक्रिया है जिसे निभाना पड़ता है। कार्यक्रम में पुलिस संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशोदानंद पांडे ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में मिथिलांचल का प्रतीक सम्मान इन पुलिस पदाधिकारियों को भेंट किया गया और माल्यार्पण किया गया, जिनमें प्रमुख पुलिस पदाधिकारी अखिलेश कुमार, अंकल खुर्शीद, हरि किशोर सिंह, आशुतोष कुमार, ब्रजेंद्र ब्रजेश इत्यादि रहे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।